हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआरएन क्लासेस। आशा करूछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे एवं आपणको प्रिपरेशन टा ठीक भावरे चालू थिबो। कारण समस्ते जानिछंती जे OSSE एग्जाम कैलेंडर हिसाब रे ए अगस्त ही फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड एवं लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर एवं ए अक्टूबर रे RI, ARI एवं अमीन रो ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आसीजिबो। तो सेथि पई एबेरु ही निजकु प्रस्तुत रखंतु। आपण माने जानिछंती ओडिसा रो जे कोनोसी एग्जाम दृष्टि रु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडाको बहुत इंपोर्टेंट। तो सेथि पई समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडीकु टॉपिक वाइज कंप्लीट करिबा। प्रीवियस क्लास रे आमे ओडिसा ज्योग्राफी रो 30 टी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करथिला। ए क्लास रे आउ केते गुडी इंपोर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट करबा। तो समय नष्ट न करी आरंभ करबा। नंबर 91, ह्विच अफ दि फलोईंग इज रामसर वेटलैंड साइट इन ओडिशा। निम्नलिखित मध्य क्योंटी ओडिशार रामसर आर्द्रभूमि स्थल अटे। ऑप्शन ए कांजिया लेक, ऑप्शन बी थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी भितरकनिका मैंग्रोव्स, ना ऑप्शन डी हरिके वेटलैंड। तो राइट आंसर टी कौन है? निम्नलिखित मध्य क्योंटी ओडिशार रामसर आर्द्रभूमि अटे। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर, भितरकनिका मैंग्रोव्स। ए भितरकनिका मैंग्रोव्स होती गोटे रामसर वेटलैंड साइट। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 92, अंशुपा इज ए स्वीट वाटर लेक लोकेटेड इन ह्विच अफ दि फलोईंग डिस्ट्रिक्ट अफ ओडिशा। अंशुपा ओडिशार निम्नलिखित क्यों जिल्लार अवस्थित एक मधुर जल ह्रद? ऑप्शन ए गजपति, ऑप्शन बी बलांगीर, ऑप्शन सी गंजाम, ऑप्शन डी कटक। तो राइट आंसर टी कौन है? अंशुपा गोटे मधुर जल ह्रद जहाँकि ओडिशार क्योंठार अवस्थित। ऑप्शन डी है राइट आंसर, कटक जिल्लार अवस्थित। ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 93, ह्विच अफ दि फलोईंग वेटलैंड अफ ओडिशा has been designated as wetland of international importance under Ramsar Convention in August 2022. August 2022 re Ramsar sammeloni adhin re Odisha ro nimnalikhita madhyaru keu ardrabhumi ku antarjatiya gurutwapurna ardrabhumi bhavare mononito kara jaichi. Option A Kolab Lake, option B Patol Lake, ऑप्शन सी अंशुपा लेक, ऑप्शन डी कांजिया लेक। तो राइट आंसर टी कौन है? देखंतु अगस्त 2022 रे रामसर सम्मेलनी अधीन रे ओडिशा रो निम्नलिखित मध्य केउ आर्द्रभूमि को अंतर्जातीय गुरुत्वपूर्ण आर्द्रभूमि भाव में मनोनीत कर। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर, अंशुपा लेक। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 94, द चिलिका लेक स्प्रेड्स अक्रॉस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स। देखंतु चिलिका ह्रद निम्नलिखित केउ जिल्ला रे व्यापी? ऑप्शन ए कटक बालेश्वर आउ गंजाम, ऑप्शन बी सुंदरगढ़ कोरापुट आउ खोर्धा, ऑप्शन सी पुरी खोर्धा आउ गंजाम, ना ऑप्शन डी कलाहांडी जाजपुर आउ देवगढ़। तो राइट आंसर टी कौन है? समस्ते जानिथिबे जे चिलिका ह्रदटा पुरी खोर्धा आउ गंजाम ए तीनोटी जिल्ला रे व्यापिकी अछि। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर, पुरी खोर्धा एंड गंजाम। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 95, व्हिच इज द लार्जेस्ट लेक अफ ओडिशा। ओडिशार सर्वबृहत ह्रद केउटी? ऑप्शन ए कांजिया लेक, ऑप्शन बी चिलिका लेक, ऑप्शन सी अंशुपा लेक, ना ऑप्शन डी सारा लेक। तो राइट आंसर टी कौन है? समस्ते जानिछंती जे ओडिशार सर्वबृहत ह्रदटी हेउची चिलिका ह्रद। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर, चिलिका लेक। नंबर 96, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज लोकेटेड इन चिलिका लेक। निम्नलिखित मध्यरु केउ द्वीप चिलिका ह्रद रे अवस्थित? ऑप्शन ए हुकितोला आइलैंड, ऑप्शन बी कनिका आइलैंड, ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आइलैंड, ना ऑप्शन डी नलबन आइलैंड। तो राइट आंसर टी कौन है? निम्नलिखित मध्य क्यों द्वीप चिलिका ह्रद में अवस्थित? तो ऑप्शन डी है राइट आंसर, नलबन आइलैंड। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। नंबर 97, इन जून 2022 द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द लग्जरी हाउस बोट गरुड़ इन ह्विच अफ दि फलोईंग लेक्स। देखु जून 2022 ओडिशार मुख्यमंत्री निम्नलिखित क्यों ह्रद विलासपूर्ण हाउस बोट गरुड़ को वर्चुअल भाव में उद्घाटन करिसेंती? ऑप्शन ए कांजिया लेक, ऑप्शन बी चिलिका लेक, ऑप्शन सी टंपोरा लेक, ऑप्शन डी अंशुपा लेक। तो राइट आंसर टी कौन है? जून 2022 ओडिशार मुख्यमंत्री निम्नलिखित क्यों ह्रद विलासपूर्ण हाउस बोट गरुड़ को वर्चुअल भाव में उद्घाटन करिसेंती? तो ऑप्शन बी है राइट आंसर, चिलिका ह्रद। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नंबर 98, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिजाइनेटेड एज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। देखंतु निम्नलिखित मध्यर केउटी भारतर प्रथम रामसर साइट भाव में मनोनीत होता? ऑप्शन ए गहिरमाथा बीच, ऑप्शन बी अंशुपा लेक, ऑप्शन सी चिलिका लेक, ऑप्शन डी भितरकनिका मैंग्रोव्स। तो राइट आंसर टी कौन है? देखंतु निम्नलिखित मध्यर केउटी भारतर प्रथम रामसर साइट भाव में मनोनीत होता? तो ऑप्शन सी है राइट आंसर, चिलिका ह्रद बा चिलिका लेक। ऑप्शन सी है राइट आंसर। नंबर 99, व्हिच इज द लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक इन इंडिया व्हिच लाइज साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। देखंतु महानदी डेल्टा रो दक्षिण रे अवस्थित भारत रो सबुठारु बड़ लुणा जल ह्रदटी केउटी? ऑप्शन ए
ओलार, ऑप्शन बी कोल्लेरु, ऑप्शन सी भेम्बानद, ऑप्शन डी चिलिका। तो राइट आंसर टी कौन है? महानदी डेल्टार दक्षिण में अवस्थित भारत सबुठ बड़ लुणा जल ह्रद टी क्योंटी? ऑप्शन डी हे राइट आंसर चिलिका ह्रद। ए चिलिका ह्रद हो भारत सबुठ बड़ लुणा जल ह्रद जहाँकि महानदी डेल्टार दक्षिण में अवस्थित। ऑप्शन डी हे राइट आंसर। नंबर 100 द ओडिशा हाइलैंड्स आर अल्सो नोन एज द डेक्स। देखु ओडिशा उच्चभूमि आउ क्यों नाम परिचित? ऑप्शन ए गलिकोंड, ऑप्शन बी गड़जात हिल्स, ऑप्शन सी नीलगिरी हिल्स, ना ऑप्शन डी तुरियाकोंडा। तो राइट आंसर टी कौन है? देखो ओडिशार उच्चभूमि आउ क्यों नाम परिचित? तो ऑप्शन बी हे राइट आंसर गड़जात हिल्स। ऑप्शन बी हे राइट आंसर। नंबर 101 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज पॉपुलरली कॉल्ड एज काश्मीर ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु क्यों हिल स्टेशन को ओडिशार काश्मीर मध्ये कहा जाए? ऑप्शन ए ढेंकानाल, ऑप्शन बी ओलासुणी हिल, ऑप्शन सी दारिंगीवाड़ी, ऑप्शन डी महेन्द्रगिरी। तो राइट आंसर कौन है? निम्नलिखित मध्यरु क्यों हिल स्टेशन को ओडिशार काश्मीर बा काश्मीर ऑफ ओडिशा बोली मध्ये कहा जाए? समस्ते जानिथिबे जे काश्मीर ऑफ ओडिशा हेउची दारिंगीवाड़ी। तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 102 फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ओडिशा द बुढ़ा बलंग ओरिजिनेट्स। देखो ओडिशार निम्नलिखित क्यों पहाड़ बुढ़ा बलंगर उत्पत्ति होती? ऑप्शन ए सिमिलिपाल, ऑप्शन बी चंद्रगिरी, ऑप्शन सी बारबिल, ऑप्शन डी देउली। तो राइट आंसर टी कौन है? ओडिशार निम्नलिखित क्यों पहाड़ बुढ़ा बलंगर उत्पत्ति होती? तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर सिमिलिपाल। सिमिलिपाल पर्वतमाला ए बुढ़ा बलंगर उत्पत्ति होती। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 103 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। निम्नलिखित मध्यरु क्यों पहाड़ ओडिशा राज्य में अवस्थित? ऑप्शन ए गड़जात हिल, ऑप्शन बी हजारीबाग हिल्स, ऑप्शन सी अमरकंटक हिल्स, ऑप्शन डी ओमकारेश्वर हिल्स। तो राइट आंसर टी कौन है? निम्नलिखित मध्यरु क्यों पहाड़ ओडिशा राज्य में अवस्थित? तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर ए गड़जात हिल्स। गड़जात हिल्सटा ओडिशा रे अवस्थित। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 104 द हाइएस्ट पीक इन द सिमिलिपाल हिल रेंज इज टेक्स। देखो सिमिलिपाल पहाड़ रेंजर सर्वोच्च शिखर केउटी? ऑप्शन ए देवमाली, ऑप्शन बी महेन्द्रगिरी, ऑप्शन सी खैरीबुरु, ऑप्शन डी मेघसिनी। तो राइट आंसर टी कौन है? सिमिलिपाल पहाड़ रेंजर सर्वोच्च शिखर केउटी? तो ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर खैरीबुरु। ऑप्शन सी हेबो राइट आंसर। नंबर 105 ओरिजिनेटिंग फ्रॉम छोटनागपुर प्लेट्यू द ब्राह्मणी एंटर्स ओडिशा इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट। देखो छोटनागपुर मालभूमि ब्राह्मणी क्यों जिले में ओडिशा रे प्रवेश करी? ऑप्शन ए सुंदरगढ़, ऑप्शन बी बरगढ़, ऑप्शन सी केन्दुझर, ऑप्शन डी संबलपुर। तो राइट आंसर टी कौन है? छोटनागपुर मालभूमि ब्राह्मणी नदीटा क्यों जिले में ओडिशा रे प्रवेश करी? तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर सुंदरगढ़ जिले रे। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर। नंबर 106 द पीस पगोड़ा ऑफ ओडिशा इज लोकेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। देखो ओडिशार शांति पगोड़ा निम्नलिखित क्यों पहाड़ में अवस्थित? ऑप्शन ए ललितगिरी, ऑप्शन बी धौलीगिरी, ऑप्शन सी उदयगिरी, ऑप्शन डी खंडगिरी। तो राइट आंसर टी कौन है? ओडिशार शांति पगोड़ाटा निम्नलिखित क्यों पहाड़ में अवस्थित? ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर धौलीगिरी पहाड़। ए धौलीगिरी पहाड़ में ओडिशार पीस पगोड़ा बा शांति पगोड़ाटा अवस्थित। ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर। नंबर 107 द निमाईगिरी इज अ हिल रेंज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। निमाईगिरी ओडिशार निम्नलिखित क्यों जिले में अवस्थित एक पहाड़ रेंज? ऑप्शन ए भद्रक, ऑप्शन बी झारसुगुड़ा, ऑप्शन सी बरगढ़, ऑप्शन डी कलाहांडी। तो राइट आंसर टी कौन है? निमाईगिरी ओडिशार निम्नलिखित क्यों जिले में अवस्थित एक पहाड़ रेंज? तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर कलाहांडी। ए निमाईगिरी पहाड़टा कलाहांडी अवस्थित। ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 108 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोनासिका हिल्स। निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोनासिका पहाड़ उत्पन्न होइछि? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सुवर्णरेखा, ऑप्शन सी बुढ़ा बलंग, ऑप्शन डी बैतरणी। तो राइट आंसर टी कौन है? निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोनासिका पहाड़ उत्पन्न होइछि? तो ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर बैतरणी। ए बैतरणी नदीटा गोनासिका पहाड़ उत्पन्न होइछि। ऑप्शन डी हेबो राइट आंसर। नंबर 109 द भितरकनिका नेशनल पार्क इन ओडिशा इज ए कंजर्वेशन साइट फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड एनिमल्स। ओडिशार भितरकनिका जातीय उद्यानटा निम्नलिखित क्यों वन्यजंतुक एक संरक्षण स्थल अटे? ऑप्शन ए किंग कोब्रा, ऑप्शन बी इंडियन एलिफेंट, ऑप्शन सी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ऑप्शन डी ब्लू फुटेड
बोबी वार्ड। तो राइट आंसर टी कौन ओडिशार भितरकनिका जातीय उद्यानटा निम्नलिखित क्यों वन्यजंतु एक संरक्षण स्थल अटे। तो ऑप्शन सी हेब राइट आंसर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल भितरकनिका नेशनल पार्कटा गोटे संरक्षण स्थल अटे। ऑप्शन सी हेब राइट आंसर। नंबर 110 द भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। भितरकनिका जातीय उद्यानटा ओडिशार निम्नलिखित क्यों जिल्ला रे अवस्थित। ऑप्शन ए भद्रक, ऑप्शन बी केंद्रापड़ा, ऑप्शन सी बालेश्वर, ऑप्शन डी जगतसिंहपुर। तो राइट आंसर टी कौन है भितरकनिका जातीय उद्यान ओडिशार निम्नलिखित क्यों जिल्ला रे अवस्थित। ऑप्शन बी हेब राइट आंसर केंद्रापड़ा जिल्ला रे। ए केंद्रापड़ा जिल्ला रे भितरकनिका नेशनल पार्क बा भितरकनिका जातीय उद्यानटा अवस्थित। ऑप्शन बी हेब राइट आंसर। नंबर 111 सातकोशिया गज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। सातकोशिया वन्यप्राणी अभयारण्यटा ओडिशार निम्नलिखित क्यों जिल्ला रे अवस्थित। ऑप्शन ए अनुगुल, ऑप्शन बी खोर्धा, ऑप्शन सी संबलपुर, ऑप्शन डी गंजाम। तो राइट आंसर टी कौन है सातकोशिया वन्यप्राणी अभयारण्यटा ओडिशार निम्नलिखित क्यों जिल्ला रे अवस्थित। अनुगुल जिल्ला रे अवस्थित। ऑप्शन ए हेब राइट आंसर। नंबर 112 ह्विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज इन ओडिशा इज ऑल्सो नोन एज टर्टल्स पाराडाइज। देखंतु ओडिशा रे निम्नलिखित अभयारण्य मध्यरु केउटी कोइछंक स्वर्ग भावर मध्य परिचित। ऑप्शन ए बैसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी कुलदिहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राइट आंसर टी कौन है ओडिशार निम्नलिखित अभयारण्य मध्यरु केउटी कोइछंक स्वर्ग भावर मध्य परिचित। तो ऑप्शन बी हेब राइट आंसर गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ए गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टर्टल्स पाराडाइज मध्य कहा जाए। तो ऑप्शन बी हेब राइट आंसर। नंबर 113 बरहेपाणी वाटरफॉल कम्स अंडर ह्विच नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बरहेपाणी जलप्रपातटा क्यों जातीय उद्यान बा वन्यप्राणी अभयारण्य अधीन रही। ऑप्शन ए सिमिलिपाल नेशनल पार्क, ऑप्शन बी सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन डी टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राइट आंसर टी कौन है बरहेपाणी जलप्रपातटा क्यों जातीय उद्यान बा वन्यप्राणी अभयारण्य अधीन रही। तो ऑप्शन ए हेब राइट आंसर सिमिलिपाल नेशनल पार्क। ऑप्शन ए हेब राइट आंसर। नंबर 114 जोरंदा फॉल्स इज लोकेटेड इन ह्विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखंतु जोरंदा जलप्रपातटा निम्नलिखित क्यों जातीय उद्यान बा वन्यप्राणी अभयारण्य रे अवस्थित। ऑप्शन ए सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन बी टिकरपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी सातकोशिया गज सेंचुरी, ऑप्शन डी सिमिलिपाल नेशनल पार्क। तो राइट आंसर टी कौन है जोरंदा जलप्रपातटा निम्नलिखित क्यों जातीय उद्यान बा वन्यप्राणी अभयारण्य रही। तो ऑप्शन डी हेब राइट आंसर सिमिलिपाल नेशनल पार्क रही। ऑप्शन डी हेब राइट आंसर। नंबर 115 द रिवर बुढ़ावलंग हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेक्स। देखंतु बुढ़ावलंग नदीर उत्पत्ति केउठारु होईछि। ऑप्शन ए नीलगिरी हिल, ऑप्शन बी देवमाली हिल, ऑप्शन सी गोरु महाशणी हिल, ऑप्शन डी सिमिलिपाल हिल्स। तो राइट आंसर टी कौन है ए बुढ़ावलंग नदीर उत्पत्ति केउठारु होईछि। ऑप्शन डी हेब राइट आंसर सिमिलिपाल हिल रु ए बुढ़ावलंग उत्पत्ति होईछि। ऑप्शन डी हेब राइट आंसर। नंबर 116 ह्विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मेघसाणी हिल्स ऑफ द सिमिलिपाल मासिफ इन केन्दुझर डिस्ट्रिक्ट। देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउ नदी केन्दुझर जिल्लार सिमिलिपाल महकुमार मेघसाणी पहाड़ उत्पन्न होईछि। ऑप्शन ए सालंदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी सुवर्णरेखा, ऑप्शन डी नागभली। तो राइट आंसर टी कौन है निम्नलिखित मध्यरु केउ नदीटी केन्दुझर जिल्लार सिमिलिपाल महकुमार मेघसाणी पहाड़ उत्पन्न होईछि। तो ऑप्शन ए हेब राइट आंसर सालंदी नदीटा। ऑप्शन ए हेब राइट आंसर। नंबर 117 इन ह्विच स्टेट डच द सुवर्णरेखा रिवर ओरिजिनेट। सुवर्णरेखा नदी केउ राज्यरु उत्पन्न होईछि। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो राइट आंसर टी कौन है सुवर्णरेखा नदीटी क्यों राज्य उत्पन्न होती। समस्ते जानते जे सुवर्णरेखा नदीटी ओडिशा रु उत्पन्न होती। तो ऑप्शन सी हेब राइट आंसर। नंबर 118 द हिस्टोरिक बालीयात्रा विल बी हेल्ड इन नवंबर 2022 ऑन द बैंक्स ऑफ ह्विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। देखंतु निम्नलिखित क्यों नदी कूल रे 2022 नवंबर रे ऐतिहासिक बालीयात्रा अनुष्ठित हेबो। ऑप्शन ए सुवर्णरेखा रिवर, ऑप्शन बी ब्राह्मणी रिवर, ऑप्शन सी महानदी रिवर, ऑप्शन डी बैतरणी रिवर। तो राइट आंसर टी कौन है निम्नलिखित क्यों नदी कूल रे 2022 नवंबर रे ऐतिहासिक बालीयात्रा अनुष्ठित हेबो। तो ऑप्शन सी हेब राइट आंसर महानदी कूल रे। ऑप्शन सी हेब राइट आंसर। नंबर 119
ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ରିଭର୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ନଦୀ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ବୈତରଣୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମହାନଦୀ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ୍ ନଦୀଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନମ୍ବର 120, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଓଭର୍ ରିଭର୍ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ମାଛକୁଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରେଙ୍ଗାଲି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହୀରାକୁଦ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସରଟି କ'ଣ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ରେଙ୍ଗାଲି। ଏ ରେଙ୍ଗାଲି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏ ଥିଲା ଆଜି କ୍ଲାସ୍ର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଏ ଟପିକ୍ର ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ। ଯଦି ଏ କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣିଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡିଆର୍ଏନ୍ କ୍ଲାସେସ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।